ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओ चलो 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 सब लोग अंदर चलो आ जाओ। सेटल हो जाओ, मैं उसके बाद सबको सेटल करता हूँ। थैंक यू सो मच अभी। सो नाइस, थैंक यू अभिमन्यु। चलिए चलिए सब लोग चलिए। आइए चल। अभिमन्यु और नील ने कितनी तैयारी की है ना, ताकि दोनों को दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत होने का चांस ही नहीं है स्वर्णा जी, पूरी डॉक्टरों की टोली जो हमारे साथ चल रही है। पर पिकनिक में ना बहुत मजा आएगा, यही छोटी छोटी बातें होती है जो बड़ी बड़ी खुशियां बन जाती है और जिसमें जिंदगी मुस्कुराती है। सही कहा। थैंक यू अभिमन्यु मुझे इन्वाइट करने के लिए। बैठ जाइए प्लीज। सो गोरिल्लाज। गोरिल्ला गोरिल्लाज कौन है? आई मीन गोयनकाज एंड बिरलाज। ड्राइवर को डू एंड डोंट्स बता दिए गए हैं, वो 45 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएगा नहीं। कोई रेस नहीं है, कोई धक्का मक्की नहीं होगी, हम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। रिलैक्स करिए, आराम करिए, एंजॉय करिए। 3 चीयर्स फॉर दिस ट्रिप। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। आर वी रेडी? नाश्ता नहीं किया था क्या सुबह? जोर से बोलिए जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आर वी रेडी? यार कुछ मजा नहीं आया ना? बिल्कुल भी नहीं। कम ऑन जोर से बोलो, आर वी रेडी? सर अब तो बस को भी मजा आ गया, चले क्या? हर हर महादेव, लेट्स गो। हर हर महादेव, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। खाते पीते रहो सब, खाते पीते रहो। हाँ हाँ माजी। आरू भेजो भेजो। चो ये लड्डू तुम्हारे लिए। हाँ? मैं तो मजाक कर रहा था। उफ, कंफर्टेबल हो? 200%। वैसे तुम्हारा चेहरा देख के लग तो रहा है। बेचारा मेरा चेहरा तो बता भी नहीं पा रहा है कि मैं कितनी खुश हूँ। देखो मैं तो पति हेलीकॉप्टर बन के पूरे टाइम तुम्हारे आगे बाजू ऊपर नीचे मंडराता रहूंगा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। प्रॉमिस मी तुम भी अपना ख्याल रखोगे। 1000%। इन फैक्ट मैं खुद कहूंगी, डियर हस्बैंड प्लीज मेरे आस पास मंडराते रहिए। अभी ये पिकनिक में बहुत मजा आने वाला है। गुड न्यूज तो पहले ही आ गई।
पूरी फैमिली साथ में सेलिब्रेट कर रही है। हमारे शादी के टाइम भी सब साथ में थे, अब हमारी बेबीज के टाइम भी सब साथ होने वाले हैं। आई एम सुपर टूपर हैप्पी। चीयर्स। चीयर्स। बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट है। वाओ, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है इस जगह से। कुछ तो खास बात है इस जगह। हाँ हाँ, बहुत खास जगह है ये। वही वो तालाब वाला मंदिर भी है। तालाब वाला मंदिर? हाँ, यहाँ जंगल के बीच एक बहुत सुंदर तालाब है और वही है वो मंदिर। बहुत पुराना, बहुत प्यारा है, बहुत मान्यता है उस मंदिर की। वहाँ के दर्शन और आशीर्वाद बहुत माने जाते थे। पहले पहले तो बहुत लोग आया करते थे, फिर वो जंगल घना होता गया और खंडर सा होने लगा। फिर कच्ची सड़क, कीचड़, सांप बिच्छू, तो लोगों का आना जाना बंद हो गया। लेकिन पहले जो औरतें प्रेग्नेंट थी ना, वो हमेशा वहाँ दर्शन के लिए जाया करती थी। पर उस मंदिर की शक्ति है इस जगह में, जिसका तुझे एहसास हो रहा है। जो माँ बनने वाली होती थी ना, वो हमेशा यहाँ आती थी। उसके लिए और बच्चे के लिए वहाँ का आशीर्वाद बहुत शुभ माना जाता था। पर ये सब क्या है? भाई हम पिकनिक पर आए कि किसी शादी में? मतलब इतना सारा सामान किसका? ये बैग हमारे हैं जी। क्यों, क्या हुआ? आपके? अरे आप पिकनिक पे आए हैं कि यहाँ पे बसने आए हैं? इतना सामान? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे तो दो तीन जोड़ी कपड़े होंगे, बाकी तो किचन बाथरूम तो ये लोग समेट के लेके आए हैं। एक मिनट मनीष जी, वो जो छोटी बैग है ना, वो मेरी है। हाँ, और एक छोटी सूटकेस हमारी है बस। हाँ। तो फिर इतना सारा सामान कौन लेके आया? आपके भ्राताश्री के, उनका सामान है पूरा। मैं अखिलेश। मेरे से दो ही बैग है, बाकी भाई साहब के। अरे वैसे अखिल जी, मनीष जी, मतलब ऐसी क्या जरूरत है कि आपको इतने सारे बैग्स की जरूरत है? मुझे कह रहे हैं हम लोगों पे उंगली उठा रहे हैं। वो देखिए, वो आपका बेटा सुपुत्र आपके, वो देखिए, वो ऐसा लग रहा है पूरा घर पहिया लगा के लेके आ रहे हैं। अभी अभिमन्यु, ये अक्षु क्या? अरे अभिमन्यु, ये सब क्या है? अक्षु का सामान? हाँ, मतलब अक्षु की दवाइयाँ हैं, उसके कुशन्स हैं, उसके स्नैक्स हैं, बड़े पापा की लाडली, इतना सामान तो हो गई उसका। अब हम लोग प्लीज अंदर जा सकते हैं रिसोर्ट में, या यही खड़े होके पिकनिक खेलने वाले हैं? हाँ प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ। रूम में सभी जा सकते हैं, लेकिन फ्रेश होकर तुरंत वापस आइएगा, क्योंकि हमें एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारी एक्टिविटीज है करने के लिए, तो जल्दी जल्दी रेडी होकर आइएगा। अक्सर लोग पिकनिक में आते हैं, रिसोर्ट में आते हैं आराम करने के लिए, चिल करने के लिए। सबको थोड़ा रेस्ट करने दो और तुम खुद थोड़ा रेस्ट करो। हाँ, मुझे तो ट्रैवलिंग की इतनी थकान हो गई है, ऐसा लग रहा है मैं दो दिन से बस में ही हूँ। ताई जी, आरोही, यहाँ की एक्टिविटीज आप लोगों को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगी। बहुत थक गई है तो मैं बोलता हूँ रिक्लाइनर वगैरह कुछ लगवा देंगे, यहाँ पर सामान जाने में टाइम लगेगा ना। हाँ भाई, भाई अगर आराम ही करना था तो घर में रूम में बैठ के करते है कि नहीं? अब यहाँ पे आया तो थोड़ा हंगामा करें, मजा करें, मस्ती करें। यस, कम ऑन, आई एग्री टोटली। एक मिनट, ये तुम कब से एक्टिविटीज बोले जा रहे हो? आखिर ये एक्टिविटीज है क्या? अरे सरप्राइज है ताऊ जी, बताता हूँ, वक्त आने पे सब बताऊंगा। अच्छा चले, मुझे तो बताओ अभी प्लीज। सरप्राइज बताऊं? सरप्राइज कैसे रहेगा? कम बैग, बैग दे रहा बैग। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।